अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, हमारा आज का टॉपिक है जी मादा मनी को गाढ़ा करने का नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मनी को गाढ़ा करने के लिए। तो दोस्तों नुस्खा जानने से पहले हम आपको इसकी अफादियत के बारे में बताते हैं, इसके क्या क्या फ़वाद हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पानी जैसी पतली मनी को बहुत जल्द गाढ़ा करता है, ठीक है जी। इसके अलावा मनी में जरासीम की मिकदार को बढ़ाता है, टाइमिंग को बढ़ाता है, कमर दर्द, टांगों में दर्द, मसाने को मजबूत बनाता है और मसाने की गर्मी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। दोस्तों ये इस नुस्खे की खासियतें हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगा जी अकरकरा, और ये हमें एक नंबर चाहिए होगा, ये 50 ग्राम। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है जी तुखम उटंगन, ठीक है जी। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाई जा रही है, आपने एक नंबर लेना है और इसका वज़न होगा 50 ग्राम, ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी तुखमे कोंच, ठीक है जी। ये मैं तस्वीरें भी आपको साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप एक नंबर चीज़ें जो है ना पहचान करके ले सकें। ये भी आपने 50 ग्राम ले लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपने डालना है मोचरस, ठीक है जी। ये एक गूंद होता है, इसकी भी तस्वीर मैंने आपको बता दी है, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेना है। इसके बाद आपने आखिरी चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है जी कुजा मिश्री, ठीक हो गया, और ये आपने लेनी है 200 ग्राम। तो दोस्तों बात करते हैं नुस्खा बनाने की कि इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपने जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं तमाम अज्जा को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इनको जो है ना ग्राइंडर मशीन में पीस कर इसका पाउडर बनाकर किसी शीशे के जार में आपने इसको महफूज कर लेना है। तो आपकी जो मेडिसिन होगी ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब के नुस्खा को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है। आपने करना ये है कि एक चम्मच सुबह खाली पेट और एक चम्मच रात सोने से पहले, ठीक है जी। दिन में आपने ये दो टाइम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, सुबह खाली पेट और रात सोने से पहले। और इसका एक चम्मच चाय वाला आपने सुबह लेना है और इसी तरह एक रात को सोने से पहले लेना है, और एक गिलास आपने नीम गर्म दूध इसके साथ इस्तेमाल कर लेना है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपकी बताई हुई तमाम अमराज पर बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा।